जो तुमने मतलब पूरा वहाँ भेजा है और आधा यहाँ भेजा है, तो ये मैं पहले ही चेक कर चुकी थी। इसमें एज सच तुम्हारी कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक बहुत ही छोटी छोटी सी है, उसे बस करेक्ट कर लो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे तुमने ए की वैल्यू लगाते वक्त ये क्यूब काय को लिख के रखा है, क्यूब थोड़ी ना लिखेंगे हम ए की वैल्यू लगाते वक्त, ठीक है? तो वहाँ पे क्यूब नहीं आना चाहिए। और उसके बाद ब्रैकेट्स हम तब यूज़ करते हैं जब कोई माइनस वगैरह की साइन की वजह से चेंज हो रहा हो, तो तुम्हें यहाँ तो सिंपल लिखना चाहिए था ए और ये तुम्हारा बी, तुम उसमें अंदर ही अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स लेके गंदगी मचा दिए हो, तो इतने सारे ब्रैकेट मत दो। और दूसरा, एक्स प्लस एक्स एक्स नहीं होता है, यहाँ पे तुम्हें करेक्शन की नीड है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट मिस्टेक तुम्हारी यहाँ हुई है, इसे तुम खुद देखो कि यहाँ पे क्या अंडा दे दिए हो। ये वाला सवाल सही है, ये भी सही है, और यहाँ एक जगह तुमसे कैलकुलेशन एरर हुई है, वो इन सवालों में कर दिए हो तुम। देखो ये यहाँ पर, इसको वापस से री अटेम्प्ट करो, यहाँ पे तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है मेरे दिए हुए आंसर से, ठीक है? तो इसको वापस से री अटेम्प्ट करो, तुम ठीक है कर लोगे। और उसके अलावा यहाँ वाले सवालों में तो तुमने बहुत ही बड़ा वाला कांड कर दिया है। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ सीधा सीधा लगता ना ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तुमने पहले इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा। अरे ऐसे वाले फॉर्मेट में कब लिखते हैं, जब हमारी आइडेंटिटी ये वाली हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, उसको तुमने यहाँ अप्लाई कर दिया घूम फिर के, लेकिन तुम आंसर सही निकाले हो। लेकिन सही आंसर निकल जाने से मतलब नहीं होता है, स्टेप्स भी थोड़ी रहनी चाहिए ना। जो काम आपका 2 या 3 स्टेप में हो रहा है, उसको तुमने पन्ना भर का सोल्यूशन बना दिए हो, तो इसको इस आइडेंटिटी को रख के सॉल्व करो, ठीक है? ये वाली आइडेंटिटी। वैसे ही बाकी सवाल में भी, इस सवाल में तो तुम्हारा आंसर सही आया है, बट ये जो स्टेप्स हैं ऐसे नहीं करना है, उसको इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, जहाँ पे अपनी ए की वैल्यू यहाँ कितनी ले लोगे 46, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले लोगे 34, ठीक है? और उसके अलावा ये वाली चीज़ में भी आंसर सही है, बट स्टेप्स वाला गड़बड़ है। यहाँ पे ये सही किए हो, ये वाले सॉल्यूशन सब तुम्हारे जितने भी हैं वो ठीक हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट गड़बड़ी कहाँ पे है। नेक्स्ट गड़बड़ी देखो यहाँ ही है, पता नहीं यहाँ क्या लिखे हो बेहोशी में तुम अजीबो गरीब। इस चीज में दिख रहा है कि पहला ब्रैकेट पॉजिटिव है, अगर पहला ब्रैकेट पॉजिटिव है तो आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली होगी ना, तो ये बीच में माइनस साइन कहाँ से आ गया पता नहीं, ठीक है? ये तुम्हारी यहाँ पे मिस्टेक है। ये वाले में तुमने लिखा है डाउट, कैसा डाउट, काय का डाउट, हाँ अजीबो गरीब कुछ भी डाउट। यहाँ पे ए तुम लिख चुके हो, बी तुम लिख चुके हो, हाँ दोनों के बीच में क्यूब लगा चुके हो, तो बस क्यूब उनका उठा के कर दो। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, अपॉन में एक्स का एक्स क्यूब, वहाँ पे 2 का क्यूब 8 और ये एक्स की पावर 6, खत्म। उसमें डाउट जैसी क्या चीज़ आ गई है। और फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे तुमने स्क्वायर लगा के रखा है, तो इसीलिए तुम्हारा ये गलत हो गया है। ये वाले सवाल में तुम्हारा फाइनल आंसर वैल्यू पुट करने के बाद मैच नहीं कर रहा है, इसे देखो कि कहाँ मिस्टेक है। यहाँ तक तो तुमने कैसा चीज़ें सही की हैं, ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक कैलकुलेशन में है, और मुझे पता है वो मिस्टेक कहाँ है, बट मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि तुम्हें मिस्टेक अपनी खुद की तुम्हें खुद ढूंढनी चाहिए। तो उसे देखो कहाँ वो तुमने गड़बड़ किए हो। नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा वाला ब्लंडर। कितनी बार ये चीज़ बताई है कि अगर चीज़ ऐसी लिखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं कहते। तो जैसे ही अगर लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो उसे हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं कहेंगे। इसको देखो, इस टाइप के सवालों को मैंने वीडियो इसका इसके जैसे एक सवाल का वीडियो डाला हुआ है इलस्ट्रेशन, उसमें तुम चेक करो। और बाकी यहाँ पर सही है, ये वाले का भी आंसर तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है, कैलकुलेशन एरर, तो उसको ठीक करो, ठीक है?